एएचएन न्यूज खबर दुनिया भर से। शहर हैदराबाद में आज सुबह से ही गणेश मूर्तियां टैंक बंड पर पहुंचना शुरू कर दिए है, जिनका सिलसिला अभी भी जारी है। कई गणेश मूर्तियों को आज सुबह से ही विसर्जन के लिए शहर के इलाके टैंक बंड हुसैन सागर झील पर ले आ रहे हैं। हजारों अकीदतमंदों ने आखिरी जुलूस के लिए सजी हुई गाड़ियों में गणेश की मूर्तियों के बाद टैंक बंड की तरफ मार्च की तरह पहुंच रहे हैं, जो 10 रोज़ा तवील त्यौहार के अख्ताम की अलामत है। हुसैन सागर झील टैंक बंड पर भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन शहर के दीगर मुकामात और मुख्तलिफ अजला में सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान शुरू होता है। बी आर अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरी टैंक बंड से मंजर कुछ इस तरह हैं। हजारों अकीदतमंदों ने आखिरी जुलूस के लिए सजी हुई गाड़ियों में गणेश की मूर्तियों के बाद यहां टैंक बंड की तरफ मार्च किया, जो 10 रोज़ा तवील त्यौहार की अख्ताम की अलामत कहलाता है। शहरी इदारे ने बड़ी झलकियों और टैंकों के करीब मसनवी तालाब भी बनाए हैं। हैदराबाद पुलिस ने पहले ही मरकजी जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक की पाबंदी आयद कर दी थी। आइए देखते हैं एएचएन न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे यूसुफुद्दीन की ये रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। एएचएन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।